कितने भी बेवकूफ नहीं बाहर आके खड़े धूप में, कम से कम हमारे लिए थोड़ा तो कर दो सर, हमारी आवाज नहीं जा रही क्या अंदर तक। दोस्तों इस लड़की का नाम निर्मला है जो झबुआ के पीजी कॉलेज के फर्स्ट ईयर की छात्रा है। ये लोग एनएसयूआई के अगुवाई में समस्या लेकर के अपने कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन कलेक्टर हैं कि इनसे मिलने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं, उसी के विरोध में ये लोग झंडा लेकर अपना खड़ा है। देखिए और ये लड़की क्या क्या कहती है और आगे मैं इस लड़की की पूरा कहानी बताऊंगा कहाँ से कैसे है। कम से कम आपको 2000 कदम आने की शर्म आ रही क्या? हम इतनी दूर से आए, 2-3 किलोमीटर दूर से, वो किस काम के लिए? हमारा काम तो पूरा करो, इतना भी नहीं कर सकते तो किस काम के लिए बने हो सर? नहीं तो सर हमको कलेक्टर बना दो। दोस्तों जैसे ही ये लड़की अपने को कलेक्टर बनने के लिए बोलती है, बगल वाले सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन कोई नहीं, इसने अपने आप को मजबूत रखा है क्योंकि हमें जो चीज चाहिए उसके प्रति ये बिल्कुल निर्भर है। किसके लिए बनी है सरकार? जैसे कि हम भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं, हमारे गरीब के लिए तो कुछ व्यवस्था करो सर। हम इतने दूर से आते हैं आदिवासी लोग, पैसे कितने किराया दे के आते हैं, वो किस काम के लिए आते सर? और जब बाहर से अंदर से आने में शर्म आ रही तो हम चाहिए अंदर, हमको शर्म नहीं आ रही सर, हम इतने दूर से चल गए, हमको शर्म आती तो हम यहाँ से वहाँ से नहीं आते यहाँ तक, नहीं तो हम वापस लॉकडाउन लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये लोग अपनी मांग को लेकर अडिग हैं, तो फिर ये कलेक्टर से मिलना ही चाहते हैं और ऐसी ही होनी चाहिए संगठन। तो आइए नहीं तो हम जा रहे सर अंदर। सर किस काम के लिए बने हो आप? एक बार 5 मिनट के लिए धूप में खड़े रह के बताइए सर। यहाँ सुबह से हम खाना खा के आए ले, आप 2-3 बार खा चुके होंगे सर। सुबह भी कोई कोई लड़कियाँ तो खा के नहीं आई सर, और इतनी आवाज कर रहे, कुत्ते अवल चिल्ला रहे, हम क्या पागल है? हम कुत्ते भी हो टाइम टाइम पे भोगते हैं। चलो सर अंदर चलिए, नहीं आ रहे तो तो देखिए दोस्तों यही वो लड़की है और ये लोग कलेक्टर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन कलेक्टर सामने मिले नहीं, वो किसी काम में बिजी होंगे या फिर जो भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करिए, हर एक लड़की में हर एक युवा में इतना संगठन होना चाहिए और ये दम होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आग के तरीके से फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।